क्या आपके पास कोई सा भी आईफोन है? तो आज मैं आप सभी को इस आईफोन के अंदर तीन ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप सभी एकदम दीवाने हो जाओगे और कहोगे कि यार सच में मैंने बहुत अच्छा काम किया एक आईफोन लेकर। चलिए मैं आप सभी को उन सभी ट्रिक से पहले मुलाकात करवाता हूं। देखिए आप सभी कोई भी फोटो क्लिक करो, अपने कैमरे से कोई सा भी पिक्चर क्लिक करो, आप सभी चुटकियों में उस पिक्चर को पीएनजी में बना सकते हो। जैसा कि देख सकते हैं ये मैंने फोटो क्लिक किया है, अगर मैं इस फोटो पे लॉन्ग प्रेस करूंगा तो देखिएगा कि ये फोटो मेरा पीएनजी बनने लगा। देख सकते हैं यहां पे आपको दिख रहा होगा, तो ये जो फोटो है वो मेरा चुटकियों में 1 सेकेंड के अंदर पीएनजी बन चुका है। इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा और कहीं पे भी पेस्ट कर दूंगा तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा जो होगा वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया, ये देखिए बैकग्राउंड गायब। इसे आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी आईफोन के अंदर धमाकेदार ट्रिक का इस्तेमाल करके किसी भी फोटो का पीएनजी बना सकते हैं। बस आपको उस फोटो के ऊपर हल्का सा लॉन्ग प्रेस करना है और वो फोटो आपका पीएनजी बन जाएगा और आप उसे कहीं पे भी कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हो या फिर उसे शेयर भी कर सकते हो। शेयर करके आप इसे सेव भी कर सकते हो। तो यहां पर आप सभी सेव टू इमेज कर दीजिए और ये आपका नया इमेज तैयार हो जाएगा प्लेन बैकग्राउंड के साथ, देख सकते। तो ये काम आप सभी अपने आईफोन के अंदर कर सकते हैं, वो भी मात्र एक क्लिक में। अगला जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आप सभी जानते भी होंगे, उनका इस्तेमाल शायद आप नहीं करते होंगे। यहां पे मैं आपको एक झलक दिखाता हूं अपने फोन के बैक टैप के ऊपर। तो यहां पे अगर मैं 2 बार टैप करूंगा तो देखिए कैमरा ओपन हो जाएगा, 1 1 2। ये देखिए अगर आपको कभी भी इंस्टेंट जरूरत है कैमरे की कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 बार टैप करते ही मेरा जो कैमरा है वो ओपन हो जा रहा है। और इसी तरीके से आप और भी कुछ यहाँ पे जेस्चर सेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा, यहाँ पे आप सभी को एसेसिबिलिटी के अंदर जाना होगा और फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टच का, इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैक टैप, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने डबल टैप में कैमरा को सेट करके रखा है, यहाँ पे आप ट्रिपल टैप में और भी कुछ सेट कर सकते हैं। ऐप स्विच, अगर एक ऐप से दूसरे ऐप में जाना है तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अभी व्हाट्सअप में हूँ, ठीक है, और अभी मैं ट्रिपल टैप करूँगा तो मेरा ऐप जो है वो स्विच हो जाएगा, 1 2 3। ये देखिए किस में जाना है, सेटिंग में, तो ये आपका ओपन हो जाएगा 1 2 3। किस में जाना है तो आप यहां पे सेट कर सकते हैं। तो बस यहां पे क्लिक होना चाहिए, फोन को झटका लगना चाहिए तभी ये काम करता है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं एक को आप सेलेक्ट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ सेट करके रखा है, डबल टैप में कैमरा, यहाँ पे आप डबल टैप में स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे मैंने क्लिक किया, अगर मैं डबल टैप लूँगा तो स्क्रीनशॉट क्लिक। तो इस तरीके से आप सभी इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपके पास कोई भी आईफोन है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा ट्रिक आपका काम किया। और बाकी हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर टिल देन एंड गुड बाय।